हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले हर तरफ इस बात को लेकर चर्चा है कि मोदी की नई टीम में किस किस को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के शेष जो नेतृत्व है उसमें माथापच्ची भी चल रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास में 4.5 घंटे से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच गहन विचार विमर्श किया गया। माना यह जा रहा है कि आज कैबिनेट पर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सकती है और ये पता लग जाएगा कि मोदी कैबिनेट में कितने नए चेहरों को शामिल किया जाना है और कितने पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया जाएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करते हुए इस बात की नसीहत दी थी कि सभी सांसदों को मंत्रिमंडल से जुड़ी चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। तो शपथ ग्रहण से पहले अब मंत्रिमंडल पर माथापच्ची चल रही है कि आखिरकार किसको कौन सा नई भूमिका, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। टीम में जो मोदी सरकार का पार्ट टू नई टीम है उसमें किस किस को जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उसमें भी माथापच्ची चल रही है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त चर्चा चल रही है वो जो अहम भाग हैं, जैसे वित्त भाग है, इसके अलावा बात करें गृह मंत्रालय, इन सब को लेकर चर्चा चल रही है कि ये किसको मिल सकता है, विदेश मंत्रालय किसको मिलेगा, या पुरानों पर ही फिर से दाव खेला जाएगा या फिर नए जो कुछ दिग्गज हैं, कुछ फेरबदल हैं, उनके चेहरे देखने को मिल सकते हैं, कुछ अलग चीजें मिल सकती हैं। तो शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल पर माथापच्ची चल रही है और आज कहा जा रहा है कि कैबिनेट पर इसमें फैसला भी लिया जा सकता है। हरियाणा के सांसदों को भी कहा जा रहा है कि मौका मिल सकता है और उसके पीछे मुख्य कारण, मुख्य वजह यह है कि आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी हैं हरियाणा में, तो उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा से भी कुछ ऐसे सांसद हो सकते हैं जिनको अहम भूमिका, अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। एनडीए सांसदों को पीएम इससे पहले नसीहत भी दे चुके हैं कि वो मंत्रिमंडल से जुड़ी चर्चाओं से दूर रहें और सिर्फ अपने काम को तवज्जो दें, काम पर फोकस करें, क्योंकि हर किसी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता, हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। महेंद्र सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार महेंद्र सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। महेंद्र सिंह जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि क्या मंत्रिमंडल में किन किन को जगह मिल सकती है, कौन कौन से नए ऐसे चेहरे हैं जिनको देखने को हमें मिल सकता है, क्या लग रहा है महेंद्र सिंह जी? और खास जो बड़े जो विभाग हैं उन पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पूजा जी, इस बात को समझ लीजिए कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातों को लेकर अपनी बात बहुत सामने रख दी है, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कैसा मंत्रिमंडल होगा, कौन बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे, क्या है। अभी ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है और उनके अलावा कोई भी इस बारे में कोई भी बात नहीं कह सकता है। तो कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, उनके साथ उनकी पार्टी के और एनडीए के जो दल हैं उनमें से किन किन को नई मंत्री परिषद में जगह मिलती है, ये देखने के लिए, जानने के लिए पूरा देश उत्सुक है। चलिए, शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ। तो बहुत उत्सुक हैं सभी कि वाकई में किस किस को जगह मिलती है और मंत्रिमंडल में किस तरीके का विस्तार इस बार देखने को मिलता है और कितने नए चेहरे और हरियाणा पर कितना फोकस रहता है या फिर आगामी दिनों में जिन जिन जगह पर चुनाव है उन स्टेट्स पर आखिरकार किस तरीके की नजरें बनी रहती हैं, उस पर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं।